हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी मैं घर जाकर ही आया हूं। और यार इतने यहाँ बैठ करके ना मूवी देख रहा है अक्षय कुमार की, और ये बड़ा फनी सीन है। शायद मूवी का नाम क्या है, मैं भूल गया, भूल गया यार, मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, बट बहुत फनी मूवी है, मस्त मूवी है। खैर चलिए लगते हैं काम पे। काफ़ी सारे कस्टमर आए हुए बाहर, एंड यहाँ पर पापा मम्मी भी काम कर रहे हैं, ज़्यादातर टीवी देख रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो सब्जी रोटी खा, और यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, और मम्मी पापा भी काम कर रहे हैं। एंड आज आई गेस 5 तो बज जाएंगे। क्या 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 कौन सी कहा है बोल, कहा है? एक ही मिलेगी पर जो बार आएगी वो ले लेना। ले अंदर यही है सारी, ये दो भी खा लियो, ठीक है? चेहरे पे खुशी तो देखो आदित्य के। उसको तो हम कुछ भी ऐसे पटा देंगे। तो अभी रीना दी के हेयर कट हो गया है, और ये कैसे सीधा कर दूँ, क्या इसको सीधा कर दूँ? कर दिया मैंने सीधा एक्चुअल में, और बस ये लास्ट फिनिशिंग टच हो रहा है। क्या जाऊँ? तो मैं ना अब घर जा रही हूँ यार, ये बैग तो मैंने पैक कर दिया है। खाने में क्या बनाऊंगी पता नहीं, क्यों तेरे क्या हुआ, तेरे कैसे पांव दुख रहे हैं, इधर से इधर कैसे शिफ्ट हो गए जो? देख तुम दाल चावल खिचड़ी बना तू, दाल चावल की नहीं, मैंगो जूस और दाल चावल, बस सर। दाल बाटी, दाल बाटी ऐसी गर्मी में क्या खाना आधे तेरे को? हाँ मैं खाता हूँ, मेरे साथ खाएगा खाना खिचड़ी। पिकी खिचड़ी शक्कर डाल के, ये शक्कर वाली। आप जाओगे कैसे, गाड़ी कौन स्टार्ट करेगा? अरे यार वो मैं भूल जाती हूँ ना कि गाड़ी ना किक से स्टार्ट होती है। अभी हम लोग घर आ गए, तो वही लड़की है नी जी छोटी पहला गा थी। हाँ तो बहुत सुंदर सिंगर समूमन सुंदर ही हुए। तो व्लॉग में अभी शाम का समय हो रहा है, और इस समय अगर माँ गंगा के दर्शन हो जाए तो क्या ही कहना। तो ऋषिकेश राम झूले से माँ गंगा के दर्शन का लाभ लीजिए आप। मैं रोज़ाना मेरा रूटीन होता है, मतलब मॉर्निंग में सुबह उठते ही सबसे पहले मैं गंगा माँ गंगा के दर्शन करता हूँ। एंड आई होप आप लोगों को भी ये जो प्रयास है मेरा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में रोज़ाना आप कहीं ना कहीं पर गंगा दर्शन ज़रूर डालने वाला हूँ, या तो शुरू में या बीच में या सबसे लास्ट में, ठीक है? और बस अब और क्या, आप दर्शन लाभ लीजिए। और आपको अच्छा, अभी बहुत सारे लोग हैं ना गोवा जा रहे हैं घूमने के लिए, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो क्लिप अपलोड करूं, इसी ब्लॉग में ही डाल देते हैं उसको भी, जिसमें मैं आपको इंडिया की ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जो एकदम गोवा के जैसी है, तो और बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। तो आइए जानते हैं उस जगह के बारे में, है ना? चलिए सोहे दोस्तों, आज मैं जिस जगह की बात करने वाला हूँ वो जगह है गोकर्णा। ये है कर्नाटका की एक बहुत ही तटीय क्षेत्र की सुंदर जगह, और यहाँ आप बहुत ही सुंदर तटों का नज़ारा और आनंद ले सकते हैं। गोवा
पहुंचने के बाद में यहां तक आप बाई बस या बाई कार आ सकते हैं। और यहां पास ही में 10 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है जो लगभग सब जगह से ही कनेक्ट करता है, एंड दैट इज़ गोकर्णा रोड रेलवे स्टेशन। एंड यहाँ के जो सौंदर्य आप देख रहे हैं अभी, मतलब ऑसम नज़ारे हैं एकदम। और बीचेस पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, गोवा के कंपैरिजन में यहाँ पे कम आपको गंदगी या रश देखने को मिलेगा, नीट एंड क्लीन बीचेस हैं। ये देखिए गोकर्णा का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ आप अपने फैमिली के साथ में वाटर स्पोर्ट्स भी इंजॉय कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं। इंडिया में बहुत कम जगह है जहाँ पर सर्फिंग होती है, और यहाँ मार्केट प्लेसेस हैं। इसके अलावा ये पिलग्रम साइट्स भी है, मतलब धार्मिक क्षेत्र है बहुत फेमस। गोकर्णा एक संत हुए थे जिनके बारे में भागवत में देखने को मिलता है, जिनके कान गाय के जैसे थे और चेहरा इंसान के जैसा था। इसके अलावा यहाँ पर महाबलेश्वर भगवान शिव का मंदिर भी है, जो रावण को आत्मलिंग दिया था भगवान शिव ने, उसके लिए वो फेमस है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जानकारी है जिसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं इस जगह के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बताइएगा मुझे कमेंट करके कि ये जगह आपको कैसी लगी एंड सब्सक्राइब।